तो आज मैंने कुछ नए तरीके से आलू सोयाबीन की सब्जी बनाई है, तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं बनाना और आप लोगों को भी बताती हूँ टेस्टी सी सब्जी बनाना। तो चलिए फटाफट मेरे साथ बनाना शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन कीन। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी टेस्टी सोयाबीन और आलू की सब्जी बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गर्म पानी रख दिया है, इसमें हम सोयाबीन डाल देंगे ताकि ये मुलायम हो जाए और थोड़े थोड़े बड़े भी हो जाए, जिससे कि हमारे सोयाबीन की सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा होगा। तो हम इसे 2 से 3 मिनट तक गर्म पानी में अच्छे से भिगो के रखेंगे। देखिए अब ये सारे फूल के मोटे हो चुके हैं, हम इसका पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए अच्छे से इसे साफ़ पानी में भी धो लेंगे एक बार निकालने के बाद, ताकि जो भी कीटाणु हैं वो मर जाएं और अच्छे से हमारी सब्जी में स्वाद आ जाए। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करने के लिए रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें थोड़ा सा रिफाइंड चाहे सरसों का तेल डालेंगे, जो आप लोगों को अच्छा लगे वो डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल ऐसे ही करके हम सारे अपने फ्राई कर लेंगे सोयाबीन को। तो बस अब हमारे पास ये आलू कटे हुए हैं, हम चाहेंगे तो बॉईल किए हुए आलू भी डाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सब्जी बनाना। तो मैंने सारे सोयाबीन उबाल लिए हैं और इधर मेरे आलू भी कट हो चुके हैं। तो हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में सब्जी बनाने से सब्जी का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें जीरा डाल दूँगी। तो देखिए थोड़ा सा जीरा है हम डाल देंगे और इसे अच्छे से तड़कने देंगे, और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। और बहुत ही ट्रस्ट में बहुत ही अच्छी सब्जी बन के रेडी होगी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो इधर मैंने ये टमाटर की प्योरी बना रखी है, तो इसी ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो फ्लेम को कम कर देंगे और इसमें हम लोग टमाटर की प्योरी डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना। तो देखिए इसे अच्छे से हम चला लेंगे और ऐसे में हम थोड़े से मसाले जो जो है हमारे पास वो मसाले हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से तेल छोड़ने तक पकाएंगे। तो देखिए मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी। जितना ही हम मसालों को अच्छे से भूनते हैं हमारी सब्जी उतनी अच्छी बन के तैयार होगी। तो इसलिए अपने मसाले को कम आंच पे और अच्छे से फ्राई करते रहें, ताकि हमारे मसालों की जो खुशबू है वो हमारी सब्जी में अच्छे से बन के आए। तो देखिए मेरे मसालों ने तेल छोड़ दिया है, अभी हम इसमें अपने सारे जितने भी मसाले हैं सूखे मसाले वो डाल देंगे। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और गर्म मसाला, और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है मैंने इसमें, जिससे सब्जी का स्वाद और टेस्ट हो जाएगा। तो अब इसे हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे और हमारा तेल सेपरेट होने तक इसे अच्छे से पकने देंगे। तो इसे हम पकने देते हैं। तो देखिए मेरा मसाला पक के रेडी हो चुका है, अब इसे मैं ढक दूंगी और ढकने के बाद 2 मिनट बाद फिर इसे खोल के चेक करेंगे। तो देखिए अच्छे से मेरा मसाला पक चुका है, कितना अच्छा कलर आया है मेरे मसालों में। अब इसमें हम आलू ऐड कर देंगे ताकि थोड़ा सा हमारे आलू नरम हो जाए। उसके बाद हम इसमें सोयाबीन डालेंगे ताकि हमारी आलू सोयाबीन दोनों अच्छे से पक जाए और हमारी सब्जी में मसाला अच्छे से फिट हो जाए। तो देखिए अब इसे हम 4 से 5 मिनट तक पका के उसके बाद से और दोबारा चलाएँगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है मेरी सब्जी में, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस इसमें मैंने पानी डाल दिया है और इसे मैं चला लूँगी अच्छे से और इसे अच्छे से बॉईल होने दूँगी जब तक हमारे आलू हाफ़ फ्राई नहीं हो जाते हैं, मतलब हाफ हमारे आलू पक नहीं जाते हैं। तो बस अब इसे मैं ढक के रख दूँगी, उसके बाद इसमें हम सोयाबीन भी ऐड कर देंगे अपना। तो देखिए मैंने यहाँ ये सोयाबीन रखे हैं, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सोयाबीन वैसे भी बहुत हेल्दी होता है, इसलिए हम लोगों को हमेशा अपने खाने में सोयाबीन ज़रूर रखना चाहिए, जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहे। आलू तो हर कोई खाता है, बट थोड़ा सा हेल्दी खाना भी खाना चाहिए सब लोगों को।
तो बस देखिए अब इसमें मैं थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल दूँगी, जिससे हमारी सब्जी का स्वाद और भी टेस्टी हो जाएगा। और इसे अच्छे से ढक देंगे और इसे पकने देंगे 4 से 5 मिनट तक। तो देखिए मेरी सब्जी पक चुकी है और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। मुझे पानी की क्वांटिटी इतनी ही चाहिए तो मैं इतना ही रखूँगी, आप लोगों को अगर पानी नहीं चाहिए तो इसे और पका सकते हैं। तो देखिए कितनी टेस्टी सब्जी बनी है। तो देखिए अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको सूखी आलू जीरे की सब्ज़ी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसकी भी रेसिपी आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए बाय, ऐसी रेसिपी और लेने के लिए इंजॉय कीजिए मेरी रेसिपी को।